नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। देश भर में मनाए जा रहे 108वें विश्व महिला दिवस की पूर्व संध्या पर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं में महिला दिवस को लेकर एक अलग ही जोश व उत्साह दिखाई दिया। उन्होंने जहां केक काटकर अपनी खुशी का इजहार किया, वहीं एक दूसरे को गुलाब देकर महिला दिवस की बधाई दी। इन महिलाओं का कहना था कि बिना पारिवारिक सपोर्ट के वे आज भी समाज में अपने आप को अलग थलग और असुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि मेट्रो सिटी को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि बदलते समाज में आज महिला उत्पीड़न के तरीके भी बदल गए हैं। पहले जहाँ दहेज उत्पीड़न होता था, तो आज सोशल मीडिया उत्पीड़न बन गया है। हालांकि सरकार तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, अगर मेल पार्टनर भी उनमें विश्वास पैदा करे तो वे और अधिक बेहतर कर पाएंगी। साथ ही समाज को भी महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। और इसी के साथ देखें पल पल की यह खास रिपोर्ट। एक ऐसी उपक्रम है जहां महिलाओं को बराबरी दी जाती है और वो सम्मान दिया जाता है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में महिलाओं के पास शायद नहीं है। मैं बहुत प्राउड के साथ इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए करा है हमने कि हम अपनी महिला अभिकर्ताओं को और जो महिलाएं साधारण बीमा के क्षेत्र में काम कर रही हैं उनका सम्मान कर सकें हम, क्योंकि बीमा न सिर्फ एक सुरक्षा प्रदान करता है अपितु ये महिला सशक्तिकरण का एक प्रयास है। यहाँ घर बैठे महिलाएं अपनी आजीविका पा सकती हैं, जिससे उन्हें एक रोजगार का साधन और एक सम्मान का साधन है। अगर महिला के रूप में सोचूं, तो मैं ये महसूस करती हूँ कि जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ ये अंतर ज़रूर कम हुआ है, लेकिन जो रूरल बेल्ट है हमारे, जहाँ गांव है, छोटे कस्बे हैं, वहाँ ज़रूर ये अंतर आज भी है। और ये दिन उतना ही सार्थक है जितना आज से 108 साल पहले सार्थक था, क्योंकि उत्पीड़न के तरीके बदल गए। पहले दहेज अगर उत्पीड़न होता था, तो आजकल सोशल मीडिया पे लड़कियों का उत्पीड़न किया जाता है। तो हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां लड़कियों को आजीविका का साधन मिलता है, ये साधन, ये सशक्तिकरण उनको ताकत देता है आगे बढ़ने की। इसीलिए ये प्रयास भी और ये दिवस भी हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। मैं उन्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि शर्म पर्दे से नहीं आती है, शर्म आँखों से आती है। नाचना, गाना, बाहर पढ़ना, ये इस बात की निशानी नहीं है कि लड़की हाथ से निकल गई, ये इस बात की निशानी है कि हमारी लड़कियाँ इतनी समझदार हैं कि वो आज़ाद होने पर भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने हाथ में सारे काम ले सकती। ये उन पर विश्वास करने का एक पहचान है, ये उन पर किया गया घर का भरोसा है। तो उन्हें पर्दों के पीछे ना रखें, उन्हें आगे बढ़ने दें, उन्मुक्त आसमान में उड़ने दें।